भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 86,498 नवे मामले आए सामने, 2,123 लोगों की हुई मौत। पंजाब विच धड़ेबाजी नूं खत्म करन दे लई बनाएगी 3 मैंबरी कमेटी, कल अंतरम प्रधान सोनिया गांधी नूं रिपोर्ट सौंपेगी। संसद मैंबर गुरजीत सिंह ओजला, जसबीर सिंह डिंपा और रवनीत सिंह बिट्टू के समेत मंत्री राणा सोढी ने की कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल मुलाकात, अगले साल होने वाली चोणों बारे की गई चर्चा। पंजाबी गायक जैजीबी का ट्विटर अकाउंट होया ब्लॉक, जैजीबी ने इंस्टाग्राम के उत्ते दित्ती जानकारी। विश्व सेहत संगठन का अनुमान, वध तो वध टीकाकरण कोरोना वायरस के वख-वख रूपों तो दवा सकता है छुटकारा। जिला बठिंडा दे विच पति दे वल्लों कई मार के अपनी पत्नी नूं मौत दे घाट उतार दिता गया, फिलहाल दोषी फरार दसिया जा रहा है। भारत सरकार ने 21 जून तो लागू किए जा रहे कौमी कोविड टीकाकरण प्रोग्राम लई सौदे दिशा निर्देश किए जारी। यशराज फिल्म्स ने मंगलवार नूं अपनी टीकाकरण मुहिम की शुरुआत की है, 4,000 वर्करां दा टीकाकरण किया जाएगा। दिल्ली दंगियां दे दोषी आसिफ इकबाल तनहा नूं बीए दी प्रीख्या क्लीयर करन दे लई हाईकोर्ट ने दित्ती जमानत। मोती महल घेरनगे बेरोजगार सांझा मोर्चा दे कारकुन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए, इस दौरान उन्हां दे उत्ते लाठीचार्ज भी किया गया। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत, ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो, ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।